मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के अंतर्गत विकास खंड तेजवापुर थाना बौड़ी ग्राम पंचायत कोदई पंडित पुरवा। 5 दिन पूर्व लापता हुए अधेड़ की पंडित पुरवा के पास नहर में बोरे में मिली लाश, 1 दिन पूर्व गुमशुदगी की गई थी दर्ज। हमारे संवाददाता साहित्य की रिपोर्टर। क्या नाम है आपको? हमारा नाम सत्तार अली। सत्तार अली, कहाँ रहते हैं आप? साहबापुर महपाल से। क्या ग्राम पंचायत लगता है यहाँ का? राजद पंडित हुआ। अच्छा, ब्लॉक ब्लॉक क्या लगता है? ब्लॉक लगता है पखरपुर। तहसील? तहसील मासी। थाना? थाना बोंडी। अच्छा, कैसे क्या हुआ है यहाँ? ये सोमवार को मतलब झगड़ा लफड़ा बिटिया दामाद में हुआ। अच्छा, उसके बाद में ये लापता हो गए। अच्छा, और जब हमें सूचना मिली घर पे, अच्छा, फिर हम यहाँ आए। अच्छा, हम उनके बहने हैं। अच्छा, वो तुम उनके बहने हो? हाँ। अच्छा, और हम जब यहाँ आए पूछ जाँच करने के लिए। अच्छा, जैसे कि जब हमें यहाँ लोग बताए हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा माहौल में यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, भगे हैं, हमने उनकी लड़की से बुलाकर पूछा जी कि देखो अगर तुम्हें मतलब ये वो गायब हुए तो तुमको बाहर निकलकर सूचना देना चाहिए जी। उन्होंने ये कहा हमसे कि रात में वही करीब 5 या 6 बजे के टाइम जी उन्होंने हम पर बांका से वार किया जी। फिर हमारा आदमी आया उस उनके पास, बोला कि देखो ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा ना करो और मतलब लग जाएगा कहीं जी। समझो, समझाने आए। लड़की ने कहा कि मतलब हमारे पे वार कर रहे हैं अपने आदमी से। फिर अच्छा, उस दोनों तीनों में लफड़ा झगड़ा हुआ। ये उस लड़की का बयान है, वो लड़की खुद बोल रही है। अच्छा, कि ऐसा ऐसा वार हुआ जी। जब इतना वार हुआ तो हमने उससे पूछा कि जब इतना तुम्हारे पर वार हुआ तो तुमने क्यों बाहर निकल कर दूसरे से नहीं बताया जी कि हमारे पे वो बांका से वार कर रहे थे जी। तुम्हें निकल कर बताना चाहिए किसी को कि हाँ हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जी, किसी को पता लगता जी। इन्होंने छुपा लिया जी। जब उनकी चिल्लाहट सुना, यहाँ के जो बाजू में रहते थे लोग, उन्होंने जब इनकी चिल्लाहट सुना कि बचा लो हमें मार देंगे लोग, तब लोग वहाँ 2-3 पहुँचे। उसके बाद ये ताला मार कर अपने, अच्छा, ये ताला मार के सो गए। ताला मार के ये सो गए। जब ये सो गए, सुबह हुई, जब लोग तहकीकात करने लगे कि आखिर वो घर से बाहर भी नहीं निकले, वो गए कहाँ पे, अच्छा, तब ये अपने आप से खुद बोलने लगे कि असल में वो रात में वो झगड़ा करके वो अपने बैग में कपड़ा वपड़ा डालकर वो भाग गए। कौन भाग गए? साबिर अली। साबिर अली जो उनकी बिटिया दामाद हैं, वो बोले कि वो भाग गए। अच्छा, मतलब उनके दामाद थे साबिर अली? नहीं, जो मुल्ला और अच्छा, सोनिया। अच्छा, ये दोनों ने दोनों उनके दामाद मतलब दोनों बिटिया दामाद हैं। अच्छा, ये दोनों बोले कि वो भाग गए। अच्छा, जब ये मतलब ये बोले कि लड़की ने पापा को बताया कि भाग गए। हाँ, भाग गए। अच्छा, जब हमने उनसे पूछा कि इनके पास मतलब इतना इनके पास घर है, जायदाद अपने इनकी है, तो ये अपना खुद का छोड़कर क्यों भाग जाएंगे भाई जी? अगर ये भाग रहे थे, तुमसे नहीं रुक रहे थे, तुमको दूसरे को बोलना चाहिए था जी कि आप देखो ये भाग रहे हैं, हमें कुछ परेशानी होगी तो आप लोग हमारा साथ देंगे जी। ये किसी से नहीं बोले। जब हमें सूचना मिली तो हम यहाँ आए, जब पूछ जाँच करने लगे और हमने कहा कि आप 2 दिन हो गया, 24 घंटा हो रहा है, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे रिश्तेदारी है वहाँ पे चलिए और हम आपका साथ देंगे। ठीक, हमने सोचा कि हमारे मामा हैं, शायद हो सकता है कहीं गुस्से में चले गए, तो हमने इनके पर कोई आप मतलब वो नहीं किया जो करना चाहिए, हमें तो तुरंत सूचना पहुँचाना चाहिए पुलिस के पास, लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि गांव के लोग भी नहीं जानते थे जी। अगर हम आकर इनका ताला खोलते या इनसे विरोध करते तो हमें ये फंसा देते जी। इसलिए हम थोड़ा कंट्रोल में रहे, इनको ये बोल के गए कि आज अगर तुम नहीं ढूंढ पाओगे जी तो फिर कल से हम अपने तरीके से ढूंढना शुरू करेंगे। आपने बोला? हमने बोला जी।
कि जब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम गांव के लोगों को लेंगे और पुलिस का साथ लेंगे और मीडिया की साथ लेंगे, फिर उसके साथ मैं उनको ढूंढ लूंगा जी। जैसा होगा वो खुद ही निकाल लेंगे, चाहे जमीन खोदना पड़े चाहे तुम्हारा पलस्तर तोड़ना पड़े जी, सब खुल जाएगा। तब ये हमारे पे गए एप्लीकेशन दे दी जी कि इनका भाईने यहाँ आता है और हमें धमकाता है जी। उसी दिन ये हम पर एप्लीकेशन दिए। जब हम घर पे थे रात में 11 बजे जब यहाँ पे लाश मिली, उसके बाद हमारे बाप घूम गया जी। हम तो हैतंग में हो गए कि अभी तक तो ये लाश नहीं मिली थी, अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ था कि ये मर चुके हैं जी। लेकिन अब पूरा कंफर्म हो चुका, लाश भी मौजूद हो गई जी। और खुद मुलजिम भी पकड़ गए। मुलजिम कौन है? मुलजिम सोनिया और मुल्ला, मतलब ये उनके जो सात लोग, मतलब जो साथ में जो हैं उन्हीं के घर वाले जी। मुल्ला और सोनिया कौन है उनके? ये उनके बिटिया दामाद, सगे बिटिया दामाद, सगे बिटिया दामाद, जो उन्होंने ले लड़की इनकी नहीं जी, लड़की इन्होंने दूसरे से गोद लिया था जी। ये पंजाब में उनको इनको मिली थी लड़की। अच्छा, ये अपने पास रख लिए, उस टाइम से पाल रहे हैं, जा रहे हैं, इनकी शादी भी की अपने पास, घर जवाई बना के रख भी लिया। और जो मुल्ला जी वो कहाँ रहते हैं? मुल्ला जी नहीं है, वो लड़का है जिससे शादी हुई उस लड़की की, और दामाद बिटिया दोनों। अच्छा, उन्होंने ऐसा, अच्छा जो लड़का है उसकी कौन है? वो लड़का जो है वो हसमत का लड़का है, वो दसियापुर का, दसियापुर का हाँ। जी वो यहीं रहता था जी। चलिए ठीक है।